हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स की आज है बजट की यानी कि गवर्नमेंट बजट की सेकंड वीडियो। ठीक है, तो सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं और 3 से 4 नंबर में आपके पेपर में 100% आता है दोस्तों। इसको बड़े आसान तरीके से समझना शुरू करते हैं। तो मैं सूरज मालाकार आपको मास्टर माइंड बाबा चैनल पर आज आपको पढ़ा रहा हूँ दो टॉपिक, और वो है हमारे पास बच्चों ध्यान से देखिए रेवेन्यू रिसीप्स एंड कैपिटल रिसीप्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्स एंड कैपिटल रिसीप्स, हिंदी मीडियम वालों बिल्कुल डरे नहीं भैया, हम पूरा आपके साथ है। तो देखो, ये है राजस्व प्राप्तियां और ये है पूंजीगत प्राप्तियां। बड़े ध्यान से समझिए, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसके अंदर आता है बच्चों आपके एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से समझिए, सबसे पहले ध्यान से देखें रेवेन्यू वर्ड जहां पर आ जाए ना, जहां पर रेवेन्यू वर्ड आ जाए, ठीक है जी, तो सबसे पहले बड़े ध्यान से समझिए कि ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम या रिसीप्ट, ठीक है जी, गवर्नमेंट की रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, जिसे दूसरे वर्ड में रिकरिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बड़े ध्यान से याद रखिएगा, रिकरिंग नेचर ऑफ रिसीप्ट, है ना, रिकरिंग नेचर ऑफ रिसीप्ट। इस रिसीप्ट का नेचर कैसा होता है बच्चों, रिकरिंग होता है, यानी कि लगातार प्राप्त होने वाले जो आपके पास रिसीप्ट होते हैं उन्हें रेवेन्यू रिसीप्ट कहा जाता है। सरकार को लगातार रेगुलर बेसिस पे ये मिलते रहते हैं, समझ आ गया। जो कभी कभार मिलते हैं ना बच्चों, कभी कभार, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसीप्ट, यानी कि इररेगुलर इन नेचर, है ना, इररेगुलर इन नेचर, जिसे मैं नॉन रिकरिंग भी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा मैं, नॉन रिकरिंग, ध्यान रखिएगा नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग हिंदी वाले ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे भाई, ये लगातार प्राप्त होने वाले जो रिसीप्ट से इनकम आई है, और ये सरकार को जो है कभी कभार प्राप्त होने वाली जो आय होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीप्ट कह देते हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कह देते हैं। तो पहला डिफरेंस इन दोनों में समझ आ गया, और ये वर्ड याद रखिएगा रिकरिंग नेचर, लगातार प्राप्त होने वाला, और ये याद रखिएगा आप यहाँ पर कभी कभार प्राप्त होने वाला, समझ आ गया। चलिए दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, देखिए Do not affect to the assets and liabilities of the गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का ही लिखोगे ना, गवर्नमेंट की किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करती वाली सिर्फ, यानी सरकार के पास पैसा भी आ गया और सरकार की किसी एसेट संपत्ति पे और ना ही किसी उधारी यानी कि दायित्व पे प्रभाव पड़ा, समझ आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी वाले कि सरकार की किसी भी परिसंपत्ति या संपत्ति और यहाँ पर क्या दायित्व यानी कि उधारी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन वाली रिसीप्ट से। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो सरकार की परिसंपत्तियों मतलब असेट्स परिसंपत्तियों या दायित्वों का मतलब क्या होता है, उधारी होता है, क्या होता है यहाँ पर, उधारी पर प्रभाव पड़ता है। भाई लिखने वालों को थोड़ा सा ना स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या करें भाई। देखो यहाँ पर तो हमने कहा कि यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट की, एक पॉइंट यानी कि परिसंपत्तियों पे और उधारियों पे फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने कहा भैया फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा ये वहाँ पर वही समझना बाकी है इसके अंदर, समझ आ गया। तो दूसरा दो डिफरेंस हो गए यहाँ पर, अब तीसरा डिफरेंस यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं वो समझ लीजिए, हम इसकी बना लेंगे डेफिनेशन, क्या बना लेंगे डेफिनेशन बना, समझिए। तो मैंने कहा कि राजस्व प्राप्तियाँ सरकार के बजट की वे सभी प्राप्तियां होती है जिनसे न ही सरकार के परिसंपत्तियों में कमी होती है और न ही दायित्वों में वृद्धि। पहले बताता असेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करेगी, परिसंपत्तियों और उधारी को फर्क नहीं करेगी, यहां पर मतलब कि फर्क नहीं पड़ेगा उन पे, तो वही लिखना है। लेकिन लिखना क्या है, परिसंपत्तियों में कमी नहीं होगी, सरकार के पास रिसीप्ट्स भी आ गई और कोई उसकी संपत्ति कम नहीं हुई, और सरकार के पास पैसे भी आ गए और उसकी कोई उधारी भी नहीं बढ़ी। तो ध्यान रखिएगा यही लाइन आपको लिखनी होगी, परिसंपत्तियों में कमी नहीं होती और दायित्वों में वृद्धि नहीं होती, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज ऑल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट फ्रॉम विच नाइदर डिक्रीज इन एनी असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉर इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आ गया, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा समझा रहा हूं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट दोज ऑल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम विच नाइदर डिक्रीज इन एनी असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉर इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आ गया, अब यहां वाली डेफिनेशन में बना देता हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तो ये आगे डेफिनेशन, दोज ऑल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट के बारे में लिख रहे हैं, दोज ऑल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ये गवर्नमेंट बजट की वो वाली रिसीप्ट होती है फ्रॉम विच
आइदर डिक्रीज इन एनी एसेट्स, या तो सरकार की किसी एसेट्स में कमी हो जाएगी, और इंक्रीज इन एनी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, या सरकार की कोई उधारी बढ़ जाएगी, है ना। तो मैंने वही कहा, पूंजीगत प्राप्तियों का भी पर्याय है बजट की उन सभी प्राप्तियों से होता है जिनसे या तो पहले ही बता दिया भाई संपत्तियों और दायित्वों में फर्क पड़ेगा, या तो किसी संपत्ति में कमी हो जाती है सरकार की, या फिर किसी उधारी में वृद्धि यानी कि दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल, रिसीप्ट के एग्जाम्पल क्या है। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स, जितने भी टैक्स होते हैं ना, इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, समझ आ गया। जीएसटी, ये सब टैक्स के हो गए, यानी कि ऑल टैक्सेस मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल टैक्सेस, समझ आ गया। एक तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू रिसीप्ट का। खुद से सोचिए, सरकार के पास जितना टैक्स आता है, जब टैक्स आया क्या सरकार की कोई संपत्ति कम हुई? नहीं। ऊपर से कोई उधारी बढ़ी क्या? सरकार को कुछ वापस करना पड़ेगा क्या? उधार लिया नहीं ना। देखो साफ साफ क्लियर है ना। अच्छा जी, इंटरेस्ट हो गया, फीस हो गई, चालान हो गया, चालान का पैसा, है ना, प्रॉफिट हो गया जो बिजनेसेस हैं गवर्नमेंट के, ईटीसी, ये सारी चीज़ें किसके एग्जांपल हैं सर? ये सारे एग्जांपल हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स के। और यहाँ पर सरकार के कौन से एग्जांपल आएंगे गवर्नमेंट बजट के, जो चीज़ें आनी है वो देखिए बड़े ध्यान से। जैसे टेकन लोन फ्रॉम RBI, वर्ल्ड बैंक, किसी का भी लिखा हो, सही है, कहीं से भी लोन ले लिया है सरकार ने, टेकन लोन फ्रॉम RBI और वर्ल्ड बैंक, तो लोन ले लिया सरकार ने। अगर सरकार ने लोन ले लिया भाई, तो आप खुद से देखिए, पैसा तो आया, क्या ये लोन हमेशा लेते रहते? नहीं, कभी कभार एक तो प्रूफ हो गया, और उससे क्या बढ़ गई सरकार की लायबिलिटीज, एनी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी बढ़ गई। अच्छा दूसरा देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कहते हैं हिंदी में, विनिवेश, ठीक है। तो विनिवेश का मतलब क्या होता है? किसी पब्लिक एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया, यानी कि मान लीजिए अपनी कोई इन्वेस्टमेंट थी, उसे तोड़वा लिया सरकार ने, इन्वेस्टमेंट को वापस मतलब बेच दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, तो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन सरकार की क्या कम हो गई, इससे असेट्स कम हो गए। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्या कौन सा पार्ट करेंगे, यहीं पर करेंगे रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो अगली वाली वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी, और पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होमवर्क देके जा रहा हूं, इनके एग्जांपल्स पढ़ा लेना पेपर।